टाउन हॉल में हर तरफ आपको गंदगी का आलम दिखेगा दोस्तों, इतनी बदबू यहाँ पर मार रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम अपने वाटरफॉल और हिस्टोरिकल प्लेसेज की यात्रा बीच में छोड़ करके यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। दोस्तों अभी हम डालमिया नगर झंडा मैदान में हैं और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं सेलिब्रेशन चल रहा है। अभी रोहतास इंडस्ट्रीज के जो प्रबंधक है आर वर्मा जी, वे अभी उनका भाषण चल रहा है दोस्तों। और यहाँ का समारोह दिखाने के बाद हम आपको डेहरी भी ले चलेंगे। तो बहुत ही भव्य आज हमारी यात्रा होने वाली है दोस्तों, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दोस्तों। और आज हमारे साथ यात्रा करेंगे हमारे सर हैं पारसनाथ दुबे जी, ये ऑल इंडिया मीडिया संघ के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आज हमारे साथ हमारे गार्जियन भी हैं, इनके साथ आज हम यात्रा करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ का डालमिया नगर झंडोत्तोलन समारोह आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम डेहरी भी चलेंगे, हर जगह आपको लेकर के चलेंगे। तो बड़ी अद्भुत आज हमारी यात्रा होने वाली होगी दोस्तों। और दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं रोहतास इंडस्ट्रीज के प्रबंधक AR वर्मा जी का भाषण चल रहा है और धूमधाम से यहां पर 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है डालमिया नगर झंडा मैदान में। दोस्तों अब हम अम्बेडकर चौक आ गए हैं यहाँ डेहरी ऑन सोन और यहाँ से हम गांधी स्मारक चलेंगे दोस्तों। दोस्तों अब हम गांधी स्मारक पहुँच चुके हैं और अभी जो है समारोह शुरू होने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गांधी स्मारक डेहरी ऑन सोन, अभी माल्यार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। दोस्तों चलिए यहाँ डेहरी गांधी स्मारक झंडोत्तोलन समारोह दिखाने के बाद हम डेहरी अनुमंडल की यात्रा करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम हो रहा है झंडा समारोह 15 अगस्त के अवसर पर। मिथिलेश कुमार सिन्हा जी को भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन मंगलमय हो और हमारे बार को अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद, अपना अनुभव प्रदान करते रहें। अरे नहीं, अरे चल ही ना।
दोस्तों यहाँ पर डेहरी ऑन सुन कर्पूरी चौक पर झंडोत्तोलन समारोह हो रहा है। दोस्तों अब हम डेहरी टाउन हॉल चलेंगे और वहाँ का झंडा समारोह आपको दिखाएंगे 15 अगस्त के मौके पर। और हमारे साथ अभी यात्रा कर रहे हैं ललित प्रसाद सिन्हा जी, जो कि कांग्रेस के डेहरी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं अब्दुल कयूम अंसारी नगर भवन, डेहरी का टाउन हॉल। अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है झंडोत्तोलन की। 11 बजे यहाँ पर झंडोत्तोलन किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं टाउन हॉल अब्दुल कयूम अंसारी भवन। मोहम्मद इलियास हुसैन ने बनवाया था इसको, लेकिन इसका मरम्मत अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। आप देख रहे हैं हर जगह टूट फूट गया है। अभी हम आपको अंदर भी लेकर के चलेंगे। 2015 में बन करके तैयार हुआ था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं मरम्मत की बात तो बहुत दूर की रही, यहाँ पर साफ सफाई भी नहीं होती है दोस्तों। आज 15 अगस्त का दिन है और हर तरफ आपको झोलूल गंदगी नज़र आएगी दोस्तों। ए डेहरी ऑन सुन का टाउन हॉल आप देखिए, टाउन हॉल में हर तरफ आपको गंदगी का आलम दिखेगा दोस्तों। ये देखिए इसका फ्लोर भी, ये भी टूट गया है। चलिए डेहरी ऑन सुन टाउन हॉल के अंदर चलते हैं। आप देख रहे हैं डेहरी ऑन सुन टाउन हॉल। हॉल बहुत बड़ा है, यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं दोस्तों। लेकिन आप देखिए आज़ादी के 75 साल बाद ये देश की स्थिति है। बिल्डिंग्स तो बनते हैं, हॉल तो बनते हैं, पर उसके बाद उसका मरम्मत नहीं होता है दोस्तों। ऊपर में आप देखिए हालत, छत का हालत देखिए, रूफ का हालत देखिए आप दोस्तों। यही हमारे देश की आज़ादी है, यही हासिल हुआ है हमारे देश में। अभी हम आपको दिखा रहे हैं डेहरी ऑन सोन टाउन हॉल। हालांकि इसका मरम्मत प्रस्तावित है, लेकिन कब मरम्मत होगा ये किसी को नहीं मालूम। टाउन हॉल के अंदर है, आप देख रहे हैं कूड़ा इकट्ठा है, इसकी भी साफ़ सफाई नहीं हुई है दोस्तों। चलिए अब हम साइड से चलते हैं, पीछे वाले बिल्डिंग में चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 15 अगस्त के दिन टाउन हॉल के बगल में पूरा कूड़ा इकट्ठा करके यहीं पर रखा गया है। नाली से निकाला गया है पर बाहर ही छोड़ दिया गया है दोस्तों। आज 15 अगस्त है, हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि आज आज़ादी का दिन है, पर यहाँ लोगों की लापरवाही देखिए, यहाँ सरकार की लापरवाही देखिए, बड़ा दुखदाई है दोस्तों देशवासियों के लिए, हमारे लिए, कि देश हमारा आज़ाद हो गया, 75 साल हो गए, पर बदल नहीं रहा है देश। टाउन हॉल के पीछे अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए टाउन हॉल का बाथरूम। टाउन हॉल का अंदर इतनी गंदगी कि हम अंदर जा ही नहीं सकते दोस्तों, इतना बदबू दे रहा है। लैट्रिन का भी साफ सफाई नहीं होती इसकी। और पीछे का सीन देखिए, बहुत गंदगी है दोस्तों, यहाँ से भागना पड़ेगा, हम यहाँ पर रह नहीं सकते, इतनी बदबू यहाँ पर मार रहा है, इतनी गंदगी है, बड़ी दुर्भाग्य है यहाँ डेहरी ऑन सोन के लिए दोस्तों। डेहरी जबकि नगर पालिका में है, नगर पालिका कहाँ क्या कर रही है, आज कम से कम साफ सफाई करनी चाहिए थी उसको। और अभी हमने हॉल की स्थिति दिखाई, बहुत ही गंदा हॉल है दोस्तों, केवल नीचे धुला गया है 15 अगस्त होने के कारण। और दोस्तों ये बिल्डिंग भी ध्वस्त होने के कगार पर है, क्योंकि मरम्मत नहीं होगा, रख रखाव नहीं होगा सही सलामत तरीके से, तो कब तक टिका रहेगा, ध्वस्त तो होना ही है। दोस्तों यहाँ डेहरी ऑन सुन टाउन हॉल दिखाने के बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। हालांकि यहाँ पर झंडोत्तोलन होगा, पर रुकने लायक नहीं है, यहाँ पर बहुत गंदगी है, क्या यहाँ मजाक चल रहा है। दोस्तों अब हम बुद्धा विहार आ गए हैं, सामने आप देख रहे हैं डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह जी का ये होटल है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं होटल बुद्धा विहार, यहाँ पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अभी प्रसाद वितरण हो रहा है और डेहरी ऑन सोन के विधायक फतेह बहादुर जी यहीं पर हैं अभी।
दोस्तों अब हम डेहरी से डालमिया नगर आए हैं और यहाँ डालमिया नगर इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए हम यात्रा कर रहे हैं। झंडा मैदान चलेंगे, डी टाइप चलेंगे डालमिया नगर में, जहाँ पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम मनाया जाएगा। टाइप आ गए हैं यहाँ पर। ब्रज बिहारी दुबे जी के सम्मान में झंडा फहराया जाएगा, जो कि अमर स्वतंत्रता सेनानी थे। और यहाँ पर झंडोत्तोलन त्रिविक्रम नारायण सिंह करेंगे, जो कि जमुहार मेडिकल कॉलेज के प्रबंध निदेशक हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है भारत माता की जय भारत माता की जय। अभी देख रहे हैं श्रद्धांजलि समारोह हो रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं भारत के महान सपूत श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर डेहरी डालमिया नगर की यात्रा करने के बाद हम अपने गांव चलेंगे अकोढ़ी गोला, और बच्चों के साथ वहां पर हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाएंगे बिल्कुल ही अनूठे तरीके से। दोस्तों अब हम अपने गांव अकोढ़ी आ गए हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बच्चे। आज हम बच्चों के साथ 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल अनोखे तरीके से सेलिब्रेशन होगा। दोस्तों आज हम जो राष्ट्रीय मिठाई होती है जलेबी, हम बच्चों के बीच में जलेबी बांटेंगे दोस्तों, क्योंकि 15 अगस्त के अवसर पर बच्चे स्कूल में जाते थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ मिठाई ज़रूर मिलता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है तो बच्चे थोड़े से रुआंसे हैं। और बचपन से ऐसा हमको फील होता रहा है कि कोई भी त्यौहार आए तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मन में ये होता है, ख्वाहिश होती है कि जलेबी मिल जाता, मिठाई मिल जाता, लड्डू मिल जाता तो मज़ा आ जाता। और बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं दोस्तों आज, और बड़ा मतलब अनोखे तरीके से आज हम मनाने वाले हैं बच्चों के साथ 15 अगस्त सेलिब्रेशन। दोस्तों तो चलिए यहाँ पर सेलिब्रेशन आज़ादी का शुरू करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अच्छा आज हम लोग क्या मनाते हैं? 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? देश आजाद हुआ था। वाह, बच्चों को मालूम है कि आज देश आजाद हुआ था। तो आज क्या क्या करते हैं 15 अगस्त के दिन? और क्या करते हैं? जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
आप देख रहे हैं बच्चों में जबरदस्त जोश है 15 अगस्त के दिन। तो चलिए जलेबी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। अरे जाने के मिनरल निकला और दोस्तों अभी हम एक और दूसरे मोहल्ले में आए हैं और यहाँ पर भी बच्चे इकट्ठे हैं। इन लोगों अभी जयकारा लगाएंगे। आज क्या है? आज क्या करते हैं? झंडा क्यों फहराते हैं? आज के दिन हम लोगों का देश आजाद हुआ था। अच्छा, देश आजाद हुआ था इसलिए। तो आजादी का जश्न मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या चाहिए? मिठाई चाहिए क्या? जलेबी चाहिए? लड्डू चाहिए? जलेबी चाहिए। क्या चाहिए? जलेबी। जलेबी क्या है? राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? अरे बच्चों को मालूम है। वाह, चलो ठीक है। दोस्तों 15 अगस्त की खुशियां मनाने का अधिकार समाज के अंतिम पायदान तक भी है। समाज का अंतिम पायदान भी खुश हो, हम यही चाहते हैं। और दोस्तों हमारे अकोढ़ी गांव में होटल भी खुल चुका है। सामने आप देख रहे हैं, ये जो है जलेबी, लोंगलाता, समोसा और पकोड़ा बनाते हैं। ब्रेड पकोड़ा इनका मस्त होता है दोस्तों। अगर आप अकोढ़ी गांव में आएँ तो मामा के होटल में ज़रूर आएँ। और यहां पर सबसे खासियत है कि बहुत सस्ता मिलता है। ये जो ब्रेड पकौड़ा आप देख रहे हैं मात्र 5 रुपये का देते हैं, मसाला मार के देते हैं। और इनका समोसा केवल 5 रुपये का होता है दोस्तों। तो सस्ता भी है और शुद्धता भी है, और सबसे बड़ी बात कि आपको गांव में ही मिल जा रहा है सारा चीज़। दोस्तों हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे समाज में आज भी भेदभाव है, छुआछूत है, जाति पाति है। जब तक कि समाज में जो भेदभाव है, छुआछूत मिट नहीं जाता, तब तक हमारे देश की आज़ादी का कोई मतलब नहीं दोस्तों। और हमारे जीवन का मकसद है कि जो भेदभाव है ना, जो कट्टरतापन है ना लोगों के अंदर, वो ख़त्म हो जाए। नमो बुधाय। अभी हम बिल्कुल गांव से बाहर आ गए हैं और समाज के एक ऐसे तबके की पास जा रहे हैं जिसे इंसान अछूत मानता है। दोस्तों हमारे देश के जो अमीर लोग हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, अट्टालिकाओं में रहते हैं, महलों में रहते हैं, लेकिन समाज का एक तबका अभी आप देख रहे हैं मिट्टी और फूस के घर में रहता है दोस्तों। आज आज़ादी को 75 साल बीत गए, लेकिन इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। घास फूस का इनका घर है। और अभी हम इनके बीच में जलेबी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनके चेहरे पर कुछ पल के लिए खुशी आए, यही हमारा प्रयास है। और हमारे इस प्रयास में सहयोग दे रहे हैं गांव के बच्चे। खुश रहना है ना, भारत माता की जय। और दब के नहीं रहना है, फिर की तरह जीना है। ठीक है।